रामलीला के दौरान रावण, हनुमान, कुंभकर्ण जैसे किरदारों का नाम दिमाग में आते ही विशाल और भारी आवाज वाले पुरुषों की आकृति दिमाग में आती है। लेकिन इस बार हल्द्वानी में हो रही रामलीला में रावण के किरदार में हस्ती और हनुमान के किरदार में उछल कूद करती शांत और मर्यादा पुरुषों उत्तम राम किरदार में ढलती कुंभकर्ण के रूप में युद्ध करती महिलाओं को रामलीला के मंच पर आप भूमिका निभाते देखेंगे। यह रामलीला हल्द्वानी के हीरानगर उत्थान मंच में होने जा रही है, जो 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होगी। देश भर में रामलीला का मंचन अश्विन मास के विजयदशमी अवसर पर किया जाता है, लेकिन इस बार कुमाऊं में पहली बार गर्मियों में रामलीला महिलाओं के द्वारा की जा रही है। रामलीला का आयोजन नरवा महिला समिति की ओर से किया जा रहा है, जिसमें सभी पात्र महिलाएं द्वारा निभाया जाएगा। समिति सचिव शांति जीना ने बताया कि महिला रामलीला का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उन्हें प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना है। रामलीला 2 अप्रैल से उत्थान मंच हीरानगर में शुरू होगी। खास बात यह है कि इसमें 10 साल की सबसे छोटी कलाकार से लेकर 70 साल की बुजुर्ग तक किरदार निभाएगी। रामलीला में तबला वो हारमोनियम वादक भी महिलाएं ही हैं। ऑडिशन के माध्यम से कलाकारों का चयन इन दिनों तालीम दी जा रही है। सभी महिलाएं रोजाना अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर तालीम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। रामलीला में 70 से ज्यादा महिला कलाकार शामिल हैं। रितु कांडपाल है। मैं 8-9 साल से ऊंचा पुल रामलीला में मैं मंथरा का रोल अदा करती हूं, और अब यहां पर जो रामलीला महिलाओं की हो रही है उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें मुझे मंथरा और ताड़िका, सूपनखा और केवट परिवार, और मैं जोकरिंग भी करूंगी उसमें, जो कॉमेडी होगी पूरी जोकरिंग करके मैं लोगों का मन लुभाऊंगी, और आगे मेरे से जो हो पाएगा मैं इन लोगों की पूरी सहायता और पूरी कोशिश इन लोगों का साथ देने की करूंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं महिलाएं भी कर सकती हैं। मुझे तो लगता है पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ अच्छा भागीदार निभा रही हैं, क्योंकि ऐसा है पुरुषों के साथ बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं, रात में बुलाना पड़ता है, कोई किसी उसमें आ जाता है, कोई किसमें, लेकिन महिलाएँ जो हैं अपना पूरा नियम से हर समय अपना यहाँ भागीदारी निभा रही हैं, और हम पूरा भागीदारी निभाएंगे और जितना हमसे सहयोग हो सकेगा हम करेंगे। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आकर के हम महिलाओं का प्रोत्साहन करें और हमें सहयोग भी करें, क्योंकि ये रामलीला हमारी ही नहीं, हमारे उत्तराखंड की पूरी महिलाओं की प्रथम रामलीला होगी, जिसमें ये लोग सब हमारा भागीदारी निभाएं, हमें सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा और हमारे हल्द्वानी का नाम भी ऊँचा होगा इसमें। कि हर बार रामलीलाएं तो होती हैं, पुरुषों की होती हैं, मिलीजुली भी होती हैं जिसमें महिलाएं पात्र भी, लेकिन ये टोटली मंच पर आप यहाँ पर महिला पात्र देखेंगे, जबकि सहयोग हमें पुरुष पूरा दे रहे हैं, क्योंकि बिना पुरुषों के सहयोग के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए और ये उत्थान मंच में, पर्वतीय उत्थान मंच में ये होगी हमारी 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक का, क्योंकि महिलाएं हैं, उन्हें घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है, तो इसलिए इवनिंग की हम लोग ये रामलीला रखेंगे। ये रामलीला पुनर्नवा समिति की ओर से की जा रही है, तो इसमें महिलाओं के लिए ये रामलीला हो रही है कि महिलाएं इसमें सारा अभिनय करें, तो इसमें मैं भी मेघनाथ के लिए अपना अभिनय के लिए तालीम लेने आ रही हूँ, और तालीम बहुत अच्छी चल रही है, और
अच्छा एक अनुभव हो रहा है, एक नया अनुभव हमारे लिए है। मंच इन्होंने दिया है, कोशिश हम कर रहे हैं। तो उत्थान मंच में ही रामलीला होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज 18 लोकल के लिए पवन सिंह कोर की रिपोर्ट।